जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं फिदा पाकिस्तानी। जैसा कि आपने दो दिन पहले देखा, मुल्तान में किस तरह से सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों कब समझोगे, खुदारा अब तो समझो। बिलावल जरदारी और इनके 5 स्टाफ और मेम्बरान कायरा मुराद अली शाह को कोरोना हो गया, मगर जलसे जारी रहेंगे। दादी व नानी मरियम सफदर की दादी फौत हो गई, शोहर कैप्टन सफदर को कोरोना हो गया, मगर जलसे जारी रहेंगे। लोगों अब तो समझ जाओ, ये लोग मखदूम हैं, तुम्हारे खादिम हरगिज नहीं हैं। ये मुल्क व कौम के मफाद के लीडर नहीं हैं। इनकी तमाम आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ कि इस मुहिम में कौम, मुल्क और रिश्तों का तकद्दस हरगिज नहीं हुआ करता। जलसे में खड़े लोगों, तुम ज़रा सोचो, क्या भूल गए हो उस दुश्मन तालीम सईद गनी को, जो तालीमी इदारों को बंद करके कौम को जहालत के अंधेरों में रखना चाहता है। वो कल मुल्तान जलसे में खुद नंगे सर हज़ारों गुलाम इब्ने गुलामों के मजमे में कोरोना और सामाजिक दूरी की माँ की आँख करके गुस्सा रहा। लोगों कब समझोगे, खुदारा अब तो समझो। क्या तुम भूल गए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उतनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर पूरी कौम गर्क हो गई, क्योंकि बकिया लोगों का जुर्म सिर्फ नानी जरदारी, औलाद जरदारी नाम के शरीफ, औलाद नाम के शरीफ खिलाड़ी सईद गनी और शफकत महमूद जैसे जालिम लोगों की अताअत और खामोश रहना था। लोगों कब समझोगे, खुदारा अब तो समझो। खुदा हाफिज़।